अरे मुझे माफ करना भैया, अरे मुझे माफ करना भैया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर दौरे पर पहुंचे। जोशी ने कई दावेदारों के टिकट कटने से नाराज होने के सवाल पर कहा कि एक विधानसभा से कई दावेदार होते हैं, उनमें से किसी एक को टिकट मिलने के बाद बाकियों की नाराजगी स्वाभाविक है। सभी परिवार के लोग हैं और सब मिलकर कमल को जिताएंगे। उदयपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे माफ करो। जोशी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ और महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई। ऐसे दिन कभी नहीं दिखे जब श्री राम के नारे लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज ना हुआ हो, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं। जोशी ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 150 सीटें मिलने का दावा किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और असम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के बीच 40 मिनट तक चर्चा के सवाल पर सीपी जोशी बोले, इस वार्ता के सियासी मायने नहीं है, इस तरह मिलना पहले भी कई बार हुआ है, मैं खुद कटारिया जी से मिलकर आया हूँ। पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं किया, एक काम जरूर किया, भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने का, ये काम जरूर किया, राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करने का पाप जरूर किया है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में ऐसे दिन कभी नहीं दिखे जब प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों के ऊपर FIR लॉन्च हो जाए, भगवा पताका पर प्रतिबंध पहली बार सरकार लगाए, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का काम करे, ये राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज एक घटनाक्रम हुआ, वसुंधरा जी और कटारिया जी की मुलाकात हुई, ये सियासी क्या घटनाक्रम देखते हैं? नहीं, ये मुलाकात पहले भी कई बार हुई, आदरणीय कटारिया साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, तो ये मुलाकात पहले भी होती रही और अभी अच्छा है सब लोगों का। मैं भी आदरणीय कटारिया साहब से मिलकर